हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अच्छा, आजकल स्कूल कॉलेजेस में रैगिंग वगैरह बैन है, कर नहीं सकते आप, लेकिन हमने शक्ति सर के बारे में सुना है कि जब ये FTIA में थे तो इनके साथ रैगिंग हुई थी, क्या हुआ था सर वो? वो यार एक किस्सा तो एक्चुअली मैं जब इंस्टीट्यूट में एंट्री हुई तो मेरे साथ राकेश रोशन जी थे, प्रमोद खन्ना थे और दो तीन बड़े बड़े स्टार्स भी थे जो हमें इंस्टीट्यूट छोड़ने आए थे। तो मैं और मेरा एक और दोस्त अनिल वर्मन, हम लोग राकेश रोशन जी का एक बंगला है खंडाला में, अच्छा जी, वहाँ से लंच खाते हुए और बियर पीते हुए दो दिन पहले इंस्टीट्यूट पहुँच गए और वो हमको छोड़ने आए ताकि वहाँ का एटमोसफियर देख के हम लोग एडजस्ट हो जाए। तो हाथ में बियर पकड़ी हुई है, गाड़ी आके रुकी बॉयज़ हॉस्टल के सामने, एक शख्स खड़ा था, बड़ी तगड़ी बॉडी वॉडी, सांवला सा, धोती पहनी हुई थी, धोती में भी इतने छेद होंगे कि मुझे लगा पता नहीं कौन है यार। तो वो आया कि राकेश रोशन के पाँव को हाथ लगाया, प्रमोद खन्ना से मिला और मेरे हाथ में बियर की बॉटल, और मैं बोला उसको कि यू वांट हैव सम बियर, बोला नो नो आई डोंट ड्रिंक, माय नेम इज मिथुन चक्रवर्ती। ओह दादा, दादा। तो मैंने कहा ओह व्हाट अ गुड फिजिक यू हैव, यू नो यू लुक लाइक अ मार्बल, पूरी बॉडी वॉडी फिट। चले गए राकेश रोशन जी, प्रमोद खन्ना जी चले गए, हम लोग अपने रूम में जाके चेक इन कर रहे हैं के पीछे से एक हाथ आया मेरे बाला में, धार। मैंने मुड़ के देखा तो मिठुन चक्रवर्ती, क्या बोला साले, यू वांट टू हैव सम बियर, आई एम 1 ईयर सीनियर टू यू, ऐसे बालों से घुमाया। बोले तुम अभी इंस्टीट्यूट आए नहीं हो और हाथ में बियर लेके एंट्री कर रहे हो हॉस्टल में, इधर चल। मेरे बाल से पकड़ता पकड़ते पकड़ते ऐसे ऐसे मैं जा रहा हूँ और एक रूम में ले गए और ऐसे ही फेंका मैं नीचे धड़ाम, और लाइट ऑफ हो गई। देन तीन टांगे मुझे दिख रही हैं, तगड़ी तगड़ी मतलब मैं नीचे हूँ और ये शॉर्ट्स में एक आदमी यूं खड़ा है, ये किसकी टांगे थी, विजेंद्र घाटके की। इधर एक और टांगे दिख रही हैं, एक और आदमी लंबा ऊंचा हट्टा कट्टा राहुल देव सिंगर, और इधर एक और टांगे दिख रही मिठुन चक्रवर्ती। बोले इज आस्क मी फॉर बियर, यू वांट हैव सम बियर, इसके बाल कैंचिला, बड़ा हीरो है, कच कच मेरे बाल, आधे यहाँ से आउट, आधे यहाँ से आउट, आधे यहाँ से आउट, तो मतलब ये कुछ बाल ऐसे बचे। फिर जो बच्चों के बाल थे उसे खींच के ले गए, सीढ़ियों से नीचे आया, थोड़ा और खेतों में ले गए, वहां देखा स्विमिंग पूल था, मतलब वो छुट्टियों की वजह से इतना गंदा था कि मजा आ जाए उसमें तैरने में। तो ऐसे किया, यू नो हाउ टू स्विम, मैं कहा या लिटिल लिटिल, धाड़ लात पड़ी सीधा पानी में, ओह माय गॉड, ठंडा पानी, ठंडा पानी। बोले अभी 15 ब्रेथ कर, लेंथ कर, मैं दो के बाद मैं बोला मुझे घर जाना, मुझे दिल्ली जाना, मुझे दिल्ली जाना, मुझे दिल्ली जाना, मुझे दिल्ली जाना, मेरे को नहीं एक्टर बनना, मम्मी मुझे माफ कर दो, मैंने पूछा आपसे बियर के लिए, मुझे माफ कर दो। तो फिर मिठुन ने बोला यार ये कुछ हो जाएगा, हम लोग फंस जाएंगे, इसको बाहर निकालो। और मैं बाहर सॉरी, बोले आइंदा किसी सीनियर से ऐसी बात नहीं करना, यू वांट हैव सम बियर, मैं कहा नो। तो सीरियसली मुझे हॉस्टल के रूम में ले गए और सब लोग अपने अपने कमरे चले गए। दरवाजे पे नॉक हुआ, मैंने कहा मैं क्या काम से, मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोला, बोला मैं हूँ, देखा मिठुन है। मिठुन ने बोला देख मेरे को तेरे को इतना करने की जरूरत नहीं थी जो मैंने किया, आई एम सॉरी, अभी तू रात भर तेरा बैंड बनने वाला है क्योंकि पूरे हॉस्टल में बात फैल गई है कि तूने सीनियर से ऐसे बोला, यू वांट हैव सम बियर। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं तेरे रूम के बाहर ताला लगा देता हूँ, एंड ही पुट अ लॉक, कैन यू बिलीव इट, पूरी रात मुझे फुटस्टेप्स के साउंड आ रहे थे कि ये साला किधर गया, किधर गया, किधर गया, वो बिल्ली आंखों वाला किधर गया। और मिठुन ने मेरे को बचाया, एंड देन आफ्टर दैट कैन यू बिलीव इट, मिठुन एंड आई बिकेम वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स। वाओ,
और जिंदगी के अंदर मैं इंडस्ट्री में किसी से डरा नहीं, किसी के बाप से डरा नहीं, डरा हूं तो सिर्फ एक ही आदमी से, मिठुन, जिसका नाम है मिठुन। वाह, मतलब दादा इज्जत। हमने इतनी फिल्में की साथ में, मैं बहुत जगह फंसता था, डेट्स में फंसता था, फिर मेरे से कुछ बदतमीजियां भी बहुत हुई हैं, और मैं जब बहुत ज़्यादा फंसता था मैं मिठुन के पास जाता था, बोलता था मिठुन मुझे बचा ले यार। वो बहुत बड़ा स्टार था, मैं को मैंने यहाँ पर ये किया है, मिठुन बजाता था, मैंने ये किया है, मिठुन बजाता था। और फिर मिठुन का ये था कि मेरी हर फिल्म में विलन कौन होगा, मुझे शक्ति कपूर चाहिए। वाह क्या बात यार, क्या मजेदार किस्से हैं। मिठुन दास, आई रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम वी हैड स्टेड इन हिज होटल इन ऊटी, याद है ना, वो कौन सा होटल था, वो मोनार्क। तो उसमें कांच के एलिवेटर लगे थे, तो हम लोग ने कभी कांच के एलिवेटर देखे नहीं थे, तो हम लोग इतने खुश हो गए, मैं, सतीश शाह, राकेश बेदी, कि हम लोग एलिवेटर में ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो एक दिन दादा ने पकड़ लिया लॉबी में, साले तुम लोग कर क्या रहे हो, जॉय राइड ले रहे हो क्या? ऐसे नहीं, ऐसे ही मजे ले रहे एलिवेटर में, इसे साला एक बार जब ऊपर जाता है 500 रुपये लगते हैं। तो जब तक हम लोग उनके होटल में रुके थे, उन्होंने एलिवेटर बंद कर दिया, हम लोग को चल के जाना पड़ता था रूम में। मिठुन दा, ये तो मिठुन दा की बात है, इनकी बिल्डिंग वालों ने भी एलिवेटर बंद किया। मैं वैसे मेरे सोसाइटी के पैसे भी खा चुका हूँ। क्योंकि सोसाइटी का सेक्रेटरी यही है। नहीं नहीं, मैं 3 बार तो इलेक्शन हार चुका हूँ मेरे सोसाइटी में। क्यों? मेरे घर वालों ने भी वोट नहीं दिया मुझे। मेरा डिपॉजिट जब्त हो गया। अच्छा, आप तो शक्ति सर FTI गए, चंकी सर ने तो सीधा अक्षय पाजी को सिखाई एक्टिंग। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने आप अपने टीचर के लिए कुछ बोला है। वैसे मैं आपका गुरुजी हूँ ना। मेरा गुरु है, मेरे गुरु हैं। डांस का गुरु? नहीं नहीं, अच्छा, जहाँ हम एक्टिंग करने जाते थे, सीखने जाते थे, तो वहाँ के सीनियर थे ये। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने एक्टिंग इनसे सीखी, तो बिगिनिंग के 10 साल जो थे मेरे करियर के, वो सबसे खराब फिल्में मैंने उसी रखी हैं। और देखो आज जाके इतना बड़ा सुपरस्टार बना है मेरी वजह से। उसके बाद जब मैंने इनकी एक्टिंग भूली है, उसके बाद मेरा करियर शुरू हुआ। मम्मा मिया, ही जोकिंग। इतना मजा आता शक्ति सर, जैसे आपने आपने चंकी सर आपने आपस के किस्से सुनाए, ये जो प्यार मोहब्बत है ना, कसम से इतना मजा आ रहा है ना सर, मजा आ गया एक्चुअली। अच्छा, ये चंकी सर जो है ना, ये निकनेम देने में बड़ा माहिर है। अच्छा, हाँ, जैसे इन्होंने अनन्या के भी बड़े सारे निकनेम्स रखे हैं जो हमें सुनने को मिलते रहते हैं। हाँ, बीबी है ना मेरी। तो सर हम आपको कुछ एक्टर्स के नाम देते हैं। ओके, ठीक है, आपको उनके निकनेम देने हैं, और सबके साथ आपने काम किया हुआ है। बिल्कुल। सबसे पहले मिस्टर सनी देओल, इनका निकनेम हो तो क्या होना चाहिए? DK। DK? हाँ, 2.5 किलो का हाथ। वाह। और अगर शाहरुख खान साहब, इनको आपने निकनेम देना हो कोई? सरगे। ठीक है, SRK रे। अच्छा, अक्षय पाजी, अक्षय कुमार, AK-47। नहीं नहीं नहीं, एक उनके एज के हिसाब से AK-56 होना चाहिए। अक्षय, I'm joking। रितेश देशमुख, रीटेक देशमुख। ओ संजय दत्त, पाली हिल वाले बाबा। अजय देवगन, साइलेंसर, मुंह से नहीं आंखों से बोलता है। ओके, अर्चना पूरन सिंह, इसको क्या नाम दे सकता हूँ, आपने दिया ना नाम, कौन सा? द सिद्धू किलर। देखो मैंने बोला कुछ, जनता बातें कर रही है ना, क्या नहीं बोलता, बुलवाता है लोगों से, जैसा पता है। नहीं, अर्चना, यू आर द बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट, अर्चना इज द बेस्ट। थैंक यू। देखा कप्पू, मेरी तरफ से बोलने वाले भी है। आई लव यू अर्चना जी। लव यू टू। सर कुछ अफवाहें हैं। हाँ बताइए। जैसे शक्ति सर आपके बारे में ये अफवाह है कि आपके कॉलेज के बाहर जो पान वाला था, उसे पहले से पता था आप स्टार बनोगे, इसलिए वो आपका पोस्टर दुकान पे लगा के रखता था, आपकी फोटो। ये पान वाला कॉलेज के बाहर नहीं था, पर था हमारे एरिया दिल्ली में, उसने मेरा एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा के रखा था,
और रात को जब हम लोग तीन चार दोस्त मिलते थे उसी पान की दुकान में मिलते थे, तो मुझे बोलता था कि क्या यहाँ पे धक्के खा रहा है तू, बॉम्बे में ट्राई कर कुछ, तेरा हो जाएगा, ये देख तेरा पोस्टर लगा के रखा है। तो जिस दिन मैं एक्टर बन गया, थोड़ा स्टार्डम भी आ गया था, मैं स्पेशली उसकी दुकान पे गया था, तब तक उसने बड़ी दुकान कर ली थी। अच्छा। एंड आई टोल्ड हिम कि तुम्हारा कहा सच हुआ, और गॉड ब्लेस यू, आपको जब भी किसी चीज की जरूरत हो जो मैं अपनी हैसियत से कर सकूं, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। क्या बात सर, आपके बारे में चंकी सर कितनी सारी अफवाहें हैं कंजूसी वाली। तो एक अफवाह ये भी है कि अनन्या जब छोटी थी तो आपने उसको नकली गोल्ड मेडल ला के दिया था। हाँ, वो क्या हुआ था कि स्कूल के रेस में वो बेचारी रॉन्ग डायरेक्शन में भागी थी, भागना था आगे वो पीछे भाग गई, तो लास्ट आ गई और उसको मेडल नहीं मिला, तो बहुत रोई। और मैं सोचा यार बच्चे को डिस्करेज क्यों करे, तो रास्ते में घर लौटते वक्त मैंने वो जो नकली चॉकलेट के गोल्ड बिस्किट मिलते ना, वो खरीद के मैंने एक मेडल बना के उसको कुर्सी पे खड़े रह के उसको एक मेडल पहना। सो स्वीट यार। चंकी सर, एक और अफवाह है आपके बारे में कि अनन्या जो है अपने फ्रेंड्स को घर पे इसलिए नहीं बुलाती क्योंकि आप घर में तौलिए में घूमते रहते हो। Really, I don't believe that. नहीं, मैं ऑलवेज बिलीव करता हूँ कि इंसान को कम कपड़े पहनने चाहिए, तो मैं हमेशा टॉवल में घूमता हूँ घर में। रियली? और बचपन से ऐसी आदत है मुझे। शक्ति सर, आपके बारे में ये अफवाह है कि श्रद्धा जब छोटी थी तो आप चुपके से उसकी चॉकलेट खा लेते थे, और जब मैडम आप पे भड़कती थी तो आप कहते थे मैं तो छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा बच्चा। नहीं, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं था कि मैं चॉकलेट्स तो मैं खुद उसके लिए लेके आता था, और चॉकलेट्स तो श्रद्धा से ज्यादा उसकी मम्मी को अच्छे लगे, मीठा ज्यादा शिवांगी खाती है। अच्छा। लेकिन अब उल्टा हो गया है, चॉकलेट्स अभी घर में सबने खाना बंद कर दिया। एक्चुअली शक्ति सर, एक अफवाह ये है कि आपके जो ब्रदर हैं उनकी शक्ल आपसे इतनी मिलती है कि कभी कभी तो ऐसा होता था कि लड़की को इम्प्रेस वो करते थे, डेट पे आप चले जाते थे। उल्टा हुआ। उल्टा था? उल्टा हुआ कि मेरा ब्रदर एक्चुअली बलदेव पुष्करना जी की शूटिंग थी, तो मुझे किसी ने बोला कि आज का दिन शूटिंग में मत जाना, कुछ गलत सूरज वूरज का लफड़ा है। तो मैं अपने आप को लॉक करके एक रूम में, मेरा भाई आया हुआ था बॉम्बे, पप्पी नाम, तो बलदेव जी आए, तो ये मेरा भाई हॉल में बैठा हुआ है, तो बलदेव है चल ना, चल तू शूटिंग तो ऐसे बैठा है टीवी देख रहे। सीरियसली बलदेव पुष्करना जी, वो विनोद खन्ना जी हीरो थे, और वो कह रहा मैं नहीं हूँ, मैं पप्पी उसका भाई, आज चलना चलू हमारा। मतलब मेरा भाई स्टार्टेड क्राइंग यार, क्या मैं नहीं हूँ। तो फिर जाके शॉट दिया कि वहीं बैठ गया? मैं तो रूम से नहीं निकला। तो मैं मुनूनू की तरह सूरज की किरण लग गई, आड़ी टेढ़ी होगी उनके मुंह टेढ़ा मेरा। और कितना आड़ा टेढ़ा हो सकता है। चंकी सर, एक अफवाह ये आपके बारे में कि आप दिन भर में इतनी ग्रीन टी पीते हैं कि जब कभी आप गुस्सा करते तो आपका चेहरा लाल की जगह हरा हो जाता है। अरे मैं ग्रीन टी का इतना इस्तेमाल करता हूँ, पहले चश्मा भी ग्रीन पहना है, चश्मा, आई लव ग्रीन टी, तो मैं पहले वो डुबोता हूँ 10-15 कप एक ही पैकेट से निकालता हूँ, और नहीं फिर वो खत्म होने के बाद मैं अपने आंखों पे डालता हूँ, बिकॉज उससे आंखों की सूजन चली जाती है। बचाओ, बचाओ, बचाओ! अरे कौन है? बचाओ, बचाओ, बचाओ भाई साहब, मेरे को बचाओ भाई साहब। आ जाइए कब्जे में, जुपिटर। हाँ रॉबर्ट, सही कहा। ये कपिल साहब, आपकी बहन अपुन के कब्जे में है, और इसको जिंदा चाहते हो ना तो कीमत है 2 करोड़। एक मिनट के लिए छोड़ेंगे। इधर मैं 2.5 साल से खुद 1 करोड़ मांग रही है, मेरे को नहीं मिला है, तेरे को आते 2 करोड़ चाहिए इधर। सपना यहाँ कैसे, आज कैसे, मतलब क्या? मैं एक्चुअली कप्पू इनको ना राय देने के लिए आई थी। एक क्या? अच्छा वो पद्मिनी कोल्हापुरी जी आपकी साली है ना? हाँ हाँ, वो पिछली बार आए थे पूनम जी के साथ में जी, इस बार आप चंकी जी के साथ आए। मैं क्या चाहती, अगले एपिसोड में ना शक्ति जी को अपनी साली के साथ बुलाना। क्यों? ताकि हमारा एपिसोड और भी शक्तिशाली हो जाए। ढंग की बात करेगी कि नहीं? नहीं, मैं ढंग की नहीं, मैं चंकी बात करेगी। चंकी पता क्या, सेंटेंस एकदम नॉर्मल है।
बात में ऐसा सेंटेंस है, लेकिन इसको आप राइमिंग के हिसाब से सोचेंगे ना, आपको बहुत हंसी आएगी। ढंकी चंकी, नाइस कॉमेडी है। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, ऐसा सुन के अंदर से बहुत खुशी होती है ना। बहुत बहुत, एक फैन मिल गया। नहीं नहीं सच में देखो क्या है ना, कि आपकी खुशी में इसकी खुशी है, अच्छा इसकी खुशी में हमारी खुशी है, और हमारी खुशी में इनकी EMI है, ऐसे ही रहता है। मतलब ये क्या रहते हैं ना, सृष्टि का एक नियम रहते हैं, हर चीज एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। अभी देख लो तेजाब पिक्चर में थे आप, करेक्ट थे, उसमें अगर आप नहीं मरते तो अनिल कपूर लोटिया पठान को नहीं मारते। यस, अगर वो लोटिया पठान को नहीं मारते तो वो लोटिया पठान के साथ गोटिया खेलते, और अगर लोटिया पठान गोटिया खेलते तो फिर शक्ति जी आंख निकाल के क्या खेलते, लूडो। ये सृष्टि का नियम रहता है सर, ये कोई ना कोई एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। फालतू बातें जितनी मर्जी करा लो, गेस्ट के लिए ले आती कुछ। हां चंकी जी के लिए लाई है ना मैं। क्या क्या क्या? एक सवाल लाई हूँ इधर, कुछ नहीं मैं तो ऐसे कर। अच्छा। मेरा एक सवाल था, एक्चुअली ये हरे दुपट्टे वाली का नीले दुपट्टे वाली से एक सवाल था कि आप जो है वो हमेशा लाल दुपट्टे वाली का नाम क्यों पूछते? क्योंकि आपकी होंठ लाल है इसलिए। अच्छा, ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। टाना अच्छा, ये पिक्चर तो हिट थी। अच्छा वो आप बाहुबली में नहीं थे, क्यों? वरना उसको बोलते हो ओ लाल कटप्पे वाली अपना नाम तो बता। वो फालतू बातें कर रही है, कितने बड़े स्टार है पता तुझे? अरे नहीं नहीं, बहुत बड़े स्टार है मैं तो जानती हूँ, हम लोग अपनी बातों में लगे रहते ना इधर, इतना पैसा है, ये वो 7-सीटर कार है हम लोग के पास है, इनके पास 70-सीटर गाड़ी है मालूम है। ऐसी कौन सी गाड़ी होती है? बस में आए ना वो। बस में आए ले, वो जुहू से परसों ही निकल गए थे। बोले मैं ऐसे नहीं आऊंगा, कमाई करके आऊंगा, तो सवारी भी लिए थे रस्ते में, कई सारे सवारी लिए। इनको रहते ना कि चार पैसा रस्ते में भी कमा लो। इनका बहुत बिजनेस माइंड आदमी है। अच्छा। हाँ, लोगों का जूस का बिजनेस रहता है, इनका कंजूस का बिजनेस। हो गई तेरी फालतू बातें, अरे चल जा यहाँ से। अरे नहीं रे कप्पू, मैं तो मेन एंटरटेनमेंट के लिए आई ले, मैं तो हंसाने के लिए आई रही, एंटरटेनमेंट मेन रहता है ना। देखो जिंदगी में दो ही चीजें मेन है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़ा, और एंटरटेनमेंट में नंदू का नाड़ा। ओहो। नंदू का नाड़ा तेरे को याद है? उनका मामा मियां इतना फेमस, उनपे कुछ नहीं बनाया? पहले मैं अपने मामा मियां से तो बना लूं। होगी तेरी बातें, के भी है कुछ बाकी? अरे नहीं, मेरा मेन धंधा रह गया ना सर। क्या? सपना ब्यूटी पार्लर, पार्लर है ना हम लोग का। आप तो जानते हैं, अलग अलग टाइप का मसाज रहता है मेरे पास में, तो आपके लिए स्पेशल मसाज है। क्या? ढिंकी चिकी मसाज। ढिंकी चिकी? हाँ। इसमें क्या होता है? इसमें क्या रहते है, कप्पू कस्टमर रहते हैं, हम लोग कस्टमर को लोनावाला लेके जाते हैं। तो मैं उसका कपड़ा उतार के उसको लिटाती है, और फिर मैं क्या देखती है, मैं तेल लाना तो भूल गई। तेल लाने के लिए मार्केट जाती है मैं। मार्केट जब देखती हूँ सब दुकानें बंद है उधर तेल की, तो फिर मैं चिक्की खरीदती। चिक्की खरीद के मैं आती है उधर, देखते कस्टमर तो अभी तक सोएला है, पूरा दिन सो रहे, अभी सोचते रात को उठेगा तो इसका मैसेज करेगी। तो फिर रात हो जाती है, वो लोग सोते रहते रे। फिर मैं सोचती शायद अभी तेल मिल जाए, फिर मैं मार्केट जाती है, फिर मार्केट जाती है देखती दुकान फिर बंद है, तो मैं रात को भी चिक्की खरीदती है। फिर मैं रात को भी लौटती है। ये लोग बहुत सीधे, कब से सुन रहे मेरी बात। नहीं मैं तो फिर मैं रात को आती है, चिक्की लेती है, देखती तभी भी सो रहे। फिर सुबह उठ के मेरे को पता चलता है क्या क्या, क्या दिन है? मेरे पास दिन की चिक्की और रात की चिक्की। आप सोच रहे थे एंड में कोई अच्छी बात आएगी ना, हमारे क्या लॉकडाउन में ये सब जोक बनाए थे हमने। अभी क्या है, ईयर एंडिंग है ना, हमारा क्लियरेंस रहता है सब जोक का। तो हमको निकालने रहते, इसलिए मैं ऐसा बोलती हूँ। मेरे जाने का टाइम सर, मैं जाती है। वो एक्चुअली बहुत लोग आते ना हमारे पास, वो आए थे आशुतोष राणा है ना, और रेणुका शाणी, वो लोग हमारे पास आए थे मैसेज कराने। तो आशुतोष जी अपना राणा भूल गए, रेणुका जी अपना शाणा भूल गई। तो अभी क्या है, वो कन्फ्यूजन बोल रहे थे राणे शाणे में। वैसे शादी के बाद तो रेणुका जी को राणे होना चाहिए था,
लेकिन वो राणे, लेकिन वैसे आशुतोष जी शाणे भी है। ऐसा मतलब कंफ्यूजन बहुत है, तो इससे पहले उन घर में प्रॉब्लमों में देकर आती हो, ठीक है? तू चेक करके आ जा। हाँ, बाय बाय बाय। एक बार जोरदार तालियां शक्ति सर और चंकी सर के लिए। सर आइए, शक्ति सर, चंकी सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। आप जब भी आते हो हमेशा ही मजा आता है, लेकिन आज आप पहली बार दोनों साथ में आए हो ना सर, और बूम बूम बहुत ज्यादा मजा आया सर, और आगे भी आते रहिएगा प्लीज। लव यू सर। थैंक यू, बुलाते रहना। थैंक यू। और दोस्तों, आप सब भी यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी से भी मिलते वक्त 2 गज की दूरी जो है वो जरूर रखें, मास्क जरूर पहने, और हाथ आप धोते होंगे। आई ट्रस्ट यू गाइस। गुड नाइट। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.